वही हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने 2 दिन पूर्व हुई बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने आरोपी पोती और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ज्वालापुर स्थित मोहल्ला चाकलान में गंगा सप्तमी के दिन तीर्थ पुरोहित परिवार की वृद्ध महिला अर्चना की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के तमाम सीसीटीवी खंगाले थे। घर में कोई लूटपाट नहीं हुई थी, इसलिए पुलिस को घर के ही किसी करीबी पर शक था। मामले में पुलिस ने जब मृतक वृद्ध महिला की पोती से पूछताछ की तो उसने पूरी सच्चाई बता दी। ज्वालापुर क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला जिनका नाम अर्चना शर्मा था, उनकी दिन दहाड़े घर में घुस के बड़ी निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। पुलिस ने इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लिया था और इसमें पिछले 2 दिन में लगातार काफ़ी मेहनत के बाद इसमें 2 अभियुक्तों की अरेस्टिंग हुई है, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त है जिसके द्वारा ये घटना की गई है उसका नाम उदित झा है, और उसके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को बताया गया कि उसके लिए उसको ये करने के लिए जो दुष्प्रेरण था वो इसी घर में जो ये जो वृद्ध महिला थी इसकी जो पोती है उसके द्वारा ये दुष्प्रेरण किया गया था। पुलिस ने उन दोनों से ही सख्ती से पूछताछ करी, उनके बीच के जो भी व्हाट्सएप कन्वर्सेशन है उनको भी पुलिस ने चेक किया, तो ये बात संज्ञान में दोनों ये बात का खुलासा हुआ है कि दोनों ने ही मिलकर आपस में जो लड़की के द्वारा दुष्प्रेरण से इस लड़के ने उदित झा ने ये हत्या की है। जो पुलिस ने आला कतल और उसमें जो अभियुक्त स्कूटी जिससे वो आया था वो पुलिस ने कब्जे में लिया है। दोनों ही अभियुक्तों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और दोनों को ही पुलिस रिमांड में यहाँ से भेजा जा रहा है।